तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं का आपका व्यवसाय अध्ययन विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि कक्षा 11वीं का आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का व्यवसाय अध्ययन का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा और आप सबको इसका सॉल्यूशन कैसे तैयार कर लेना है। आप सभी लोग दोस्तों यहां से इस क्वेश्चन पेपर को पूरा अंतिम समय तक देखकर जरूर जाएंगे, तभी जाके आपको पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन समझ में आ पाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि कक्षा 11वीं का आपका व्यवसाय अध्ययन का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का होगा और आप सबको इसका सॉल्यूशन कैसे तैयार कर लेना है। आप सभी लोग यहाँ से इसको देख सकते हो दोस्तों, पूरा का पूरा आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा कक्षा 11वीं का व्यवसाय अध्ययन का, ये बिल्कुल इसी प्रकार का पूछा जाएगा जैसा कि दोस्तों मेरे द्वारा यहाँ से आपको दिखाया जा रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि कक्षा 11वीं का आपका व्यवसाय अध्ययन का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सबको इसकी तैयारी को कैसे कर लेना है। आप सभी लोग यहां से वन बाई वन करके सभी प्रश्नों को देख सकते हो, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर दोस्तों आप सबका परीक्षाओं में इसी प्रकार का पूछा जाएगा जैसा कि मैं यहां से आपको बताने वाला हूं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का आपका व्यवसाय अध्ययन का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आया है। ध्यानपूर्वक दोस्तों आप सभी को इस वीडियो को जरूर देखना है क्योंकि दोस्तों आज मैं पूरा का पूरा आपको असली वाला क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन यहां से बताने वाला हूं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका व्यवसाय अध्ययन का कक्षा 11 का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आया है और आप सबको इसकी तैयारी को कैसे कर लेना है। आप सभी लोग दोस्तों यहाँ से ध्यानपूर्वक इस वीडियो को जरूर देख कर जाए ताकि आप सबको पूरा का पूरा कक्षा 11वीं का व्यवसाय अध्ययन का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ सके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 आपके व्यवसाय अध्ययन के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा दोस्तों ये रहा पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर, आप लोग यहां से इसको पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। पहले क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा है, इंडेंट का प्रयोग किया जाता है। इंडेंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है, आप सभी लोग यहां से इसको देख लेंगे। तो पहले नंबर का जो उत्तर होगा सही वाला वो आपका आ जाएगा विदेशी व्यापार में किया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, लघु उद्योग की विशेषता है। तो देखिएगा इसमें से लघु उद्योग की विशेषता क्या है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा जो आपसे परीक्षा में पूछा गया है इसका राइट आंसर आपका द नंबर का आ जाएगा, यहां से आप लोग देख लें उपरोक्त सभी। तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा गया है, इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय क्या कहलाता है। तो देखिएगा इसको कहते हैं दोस्तों ई कॉमर्स। और इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, देख सकते हो यहाँ से आप सभी लोग पढ़ लें, नैतिकता महत्वपूर्ण है। देखिएगा चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सभी के लिए। इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा गया है, अधिविकर्ष सुविधा किस प्रकार के खातों से प्राप्त होती है। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा गया है तो आप सभी लोग देख लेंगे, इसका राइट आंसर आपका द नंबर का आ जाएगा, चालू खातों के लिए प्राप्त होती है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा गया है, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे, जोखिम वहन करने के पुरस्कार को क्या कहा जाता है। छठे नंबर के क्वेश्चन को पूछा गया है तो यहाँ से आप लोग लिख लेंगे, इसको कहते हैं दोस्तों लाभ। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा यहाँ से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा कर लेना है। आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा कर लेंगे। पहले रिक्त स्थान को देखें, थोक व्यापारी अपना माल से क्रय करता है। देखिएगा थोक व्यापारी किससे माल खरीदता है, तो ये उत्पादक से खरीदता है, यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा गया है, ADRS जारी किए जाते हैं में। तो देखिएगा ADRS किस में जारी किया जाते हैं, तो यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे, अमेरिका में। कहाँ पे जारी होते हैं ये, अमेरिका में ये जारी होते हैं ADRS। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा गया है, ई कॉमर्स का अंग है। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है ई कॉमर्स किसका अंग है, तो देखिएगा ई व्यवसाय का अंग है, ई व्यवसाय, यहाँ से आप लोग लिख लें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा गया है, चौथे नंबर के क्वेश्चन को, बैंक द्वारा उधार क्रय की सुविधा हेतु उपलब्ध कराई जाती है। चौथे नंबर के क्वेश्चन में आप लोग लिख लेंगे, क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, ये क्रेडिट कार्ड के द्वारा ये उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, मुर्गी पालन पशुपालन उद्योग है। पाँच नंबर के क्वेश्चन में आप लोग लिख लें, तो देखिएगा ये उद्योग है जननिक, यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे किस प्रकार का जननिक उद्योग है ये।
इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है, वाणिज्य उद्योग तथा व्यवसाय के अंग है। तो देखिएगा दोस्तों, वाणिज्य उद्योग तथा व्यवसाय किसके अंग है, यहाँ से आप लोग नोट कर लें, व्यापार के अंग है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, साझेदारी व्यवसाय में साझेदारी का दायित्व तो होता है। देखिएगा सातवें नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे, असीमित होता है इसका दायित्व। अगले क्वेश्चन को देखें तो देखिएगा, यहाँ से आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे, सही जोड़ी बनाइए। तो देखिएगा आप सभी लोग यहाँ से सही जोड़ी का मिलान कर लेंगे। सही जोड़ी का मिलान आपको कैसे कर लेना है, पहले नंबर की जोड़ी का मिलान आप लोग ग्रह नंबर से करेंगे, और इसके अलावा दूसरे नंबर की जो जोड़ी लिखी है इसका मिलान आप लोग या से करेंगे, इसके अलावा तीसरे नंबर की जो जोड़ी लिखी है इसका मिलान आप लोग दा से कर देंगे, तीसरे नंबर की जोड़ी का मिलान आपका दा से हो जाएगा, और चौथे नंबर की जो जोड़ी लिखी है इसका मिलान आप लोग आ से कर लेंगे, और पाँचवें नंबर की जो जोड़ी लिखी है इसका मिलान दोस्तों आप लोग सा से कर लेंगे, और छठे नंबर की जोड़ी का मिलान आप लोग बा से कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप सभी लोग यहां से जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट कर लें। अब आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को समझते हैं। तो देखिएगा यहां से इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे नए पूछे जाएंगे, आप सभी लोग यहां से इनको नोट कर लें, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो आप सभी लोग यहां से एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर को नोट कर लेंगे। पहले क्वेश्चन को देख लें, श्रृंखलाबद्ध दुकानें किसके द्वारा खोली जाती है। तो देखिएगा दोस्तों, ऐसी दुकानें खोली जाती है उत्पादक के द्वारा, यहाँ से आप लोग नोट कर लें, उत्पादक के द्वारा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। देखिएगा ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा दूसरे नंबर का, इसमें आपको लिख लेना है एक लिमिटेड कंपनी द्वारा। तो यहाँ से आप लोग लिख लेंगे, एक लिमिटेड कंपनी द्वारा, एक लिमिटेड कंपनी के द्वारा ये खोला जाता है, यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन को, मध्यकालीन ऋण कितने वर्षों के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो पूछा गया है, यहाँ से आप लोग लिख लेंगे, एक वर्ष से लेकर तीन वर्ष तक के लिए होता है, एक वर्ष से तीन वर्ष तक के लिए ये होता है, यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे, एक वर्ष से तीन वर्ष तक के लिए ये होता है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कीटनाशकों के प्रयोग से कौन सा प्रदूषण होता है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से आप लोग लिख लेंगे, भू प्रदूषण, कौन सा भू प्रदूषण होता है इसकी वजह से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आधुनिक संप्रेषण का साधन कौन सा है। देखिएगा पाँचवें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे, ईमेल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या पूछा गया है। देखिएगा, सारणी आ किसके स्थान पर अपनाई जाती है। तो देखिएगा छठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे, पार्षद और अंतर नियम, पार्षद अंतर नियम के अंतर्गत इसे अपनाया जाता है। तो यहाँ से आप लोग नोट कर लें, पार्षद अंतर नियम, यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे। और इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या पूछा गया है। देखिएगा, रेलवे सेवाएं किस क्षेत्र का उद्योग है। तो यहाँ से आप सभी लोग लिख लेंगे, रेलवे सेवाएं सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है, यहाँ से आप लोग नोट कर लें, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखिएगा यहाँ से आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएंगे, आप सभी लोग वन बाय वन करके इन क्वेश्चन को नोट कर लेंगे सभी के सभी। तो देखिएगा क्या क्वेश्चन पूछा गया है, थोक व्यापार फुटकर व्यापार एवं उत्पादक के मध्य की कड़ी है। तो देखिएगा इनके मध्य की कड़ी को क्या कहते हैं। तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, सत्य। इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, स्टार्टअप आर्थिक विकास व रोजगार में वृद्धि करता है। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, समता अंशों पर लाभांश प्रतिवर्ष देना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो देखिएगा ये आपका असत्य होगा। इसके अलावा चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, क्या पूछा गया है, जीवन बीमा अनुबंध क्षतिपूर्ति का अनुबंध है। देखिएगा चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है, यह आपका असत्य होगा। साझेदारी अनुबंध सदैव मौखिक होता है। तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर पाँचवा, ये भी आपका असत्य होगा। इसके अलावा छठे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, पार्षद सीमा नियम का बनना अनिवार्य है। तो ये भी आपका असत्य होगा। तो इस प्रकार से आप सभी लोग दोस्तों यहाँ से सत्य असत्य को देख लेंगे, और इसके अलावा यहाँ से आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिएगा, पैसे का अर्थ बताइए, उद्योगों की दो विशेषताएं बताइए, कंपनी की स्थापना के लिए न्यूनतम कितनी पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा आगे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे, विभागीय संगठन से क्या आशय है, निजी क्षेत्र से आप क्या आशय है, व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं। और इसके अलावा आगे इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, ग्राहक सेवा से क्या आशय है, रासायनिक प्रदूषण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य कारण बताइए। और इसके अलावा आगे के इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग देख लेंगे और इनको समझ लेंगे। क्या लिखा है, डांग द्वारा व्यापार के कोई दो लाभ बताइए, फुटकर व्यापार से क्या आशय है। और इसी के अलावा इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, आप सभी लोग यहाँ से इनको देख लेंगे और इनको नोट कर लेंगे। A to Z पूरा का पूरा परीक्षाओं में क्वेश्चन पेपर आप सबका इसी प्रकार का पूछा जाएगा।
जैसा कि दोस्तों मेरे द्वारा यहाँ से आपको दिखाया जा रहा है। तो आप सभी लोग यहाँ से इन प्रश्नों को नोट कर लेंगे। टोटल आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। GST अपनाने के कारण बताइए, और इसके अलावा आगे क्वेश्चन पूछे गए थोक व्यापारी की उत्पादकों की प्रति 5 सेवाएं बताइए, जिला उद्योग केंद्र के कार्यों को समझाइए। तो आप सभी लोग यहां से इनको नोट कर लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।